साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सीटीएस पाकिस्तान की लीगल टीम और सीटीएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस कैथरीन सपना और सीईओ मिस्टर आशर सरफराज और जनूबी पंजाब के कोऑर्डिनेटर मिस्टर विल्सन रजा की मेहनतें रंग लाईं। चिचावत ने 7 साल बच्ची ज्यादती केस में 7 साल जुएरिया को इंसाफ मिल गया। चिचावत ने इलाका थाना सदर के नवाही गाँव 12/40 एल में 7 साल बच्ची ज्यादती केस का फैसला आ गया। 8 माह कबल अबाश नौजवान शहीर अल हसन ने 7 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। चिचावत ने 7 साल बच्ची जवेरिया ज्यादती केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुलजिम शहीर अल हसन को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 8 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म सुना दिया। मुलजिम शहीर अल हसन को उम्र कैद के अलावा 5 लाख रुपया जुर्माना अदालत में जमा करवाना होगा। 3 लाख रुपए बच्ची को अदा करना होंगे। 5 लाख रुपया जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जी बिल्कुल, आज बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। चिचावती एडिशनल सेशन जज की अदालत में 7 साल अजमेरिया केस का फैसला सुनाते हुए मुलजिम को उम्र कैद की सजा के अलावा 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी है। इसके साथ मैं बताता चलूं कि इलाका थाना सदर के नवाही गांव 40/12 में 7 साल बच्ची ज्यादती केस 8 माह गुजरने के बाद आज उस बच्ची को जो दरिंदगी का शिकार हुई थी उसको आज रिलीव मिला है अदालत से। अदालत ने मुलजम को सजा सुनाते हुए जुर्माने की सजा भी सुना दी है। उम्र कैद की सजा के अलावा जुर्माना भी अदा करना होगा। इसके साथ मैं बताता चलूं कि मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि बताइएगा जी कि आप कैसे देखते हैं आज के फैसले। जी बिल्कुल, मैं तो हमारे जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं जिसने आज ये फैसला सुनाया उनको राय तहसीन पेश करता हूँ। 1 तारीख का फैसला जो आज उन्होंने रखा किया है, अगर इसी तरह तमाम अदालतें जो हैं अपने फैसले सुनाते रहे, और मेरा ख्याल है कि ये कम उम्र मासूम बच्चे जो बच्चियाँ जो हैं इनके साथ ज्यादा करेंगे, जो मामला बढ़ रहे हैं कम अज़ कम उनको रोका जा सकता है। और मैं एक बार फिर आपके दोस्तों से राय तहसीन पेश करता हूँ एडिशनल सेशन जज साहब को कि जिन्होंने ये तरीके का फैसला रकम किया है और मुलजम को जो है वो लाइव उम्र कैद सजा सुनाई है और इसके साथ जुर्माना भी किया है। मैं कहता हूँ ये मेरा ख्याल है कि फैमिली के साथ जो है और उस बच्ची के साथ ये इंसाफ किया गया है। जी जैसा कि आपने सुना कि एडिशनल सेशन जज की अदालत ने जो फैसला सुनाया इस पर कुछ लोग अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि अगर इस मुकदमे की बुनियादी रूह के हवाले से बात की जाए कि ये एक गरीब खानदान जवेद मसीह की बेटी है जो एक गरीब खानदान से तल्लक रखता है और मेहनत मजदूरी करके अपना वक्त गुजारा करता था, और इसकी बच्ची के साथ उसी गांव के एक अबाश नौजवान ने ज्यादती की और जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद सीटीएस पाकिस्तान इंसानी हकूक की तंजीम है, उसने इस केस को सारे को टेकअप किया और इस केस को अदालतों तक लेकर गया, और आज देखना यह है कि उनके मेहनत भी रंग लाई है, उस बच्ची को इंसाफ मिला है और के मुलजम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और इसके अलावा 8 लाख रुपया जुर्माना भी अदा करना होगा। इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, ये इस फैसले से मुतमिन है, क्या कहना जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत खुशाइन फैसला है और मैं अदालतों को अपनी सलूट पेश करता हूँ। कानून जिंदा है तो हर गरीब इंसान को इंसाफ मिलता है। हम इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं भी इस वक्त इस यहाँ पर मौजूद हूँ जिला कचहरी में चिचावतनी में, जहाँ पर लोगों के तासरात आपने सुने हैं कि इस फैसले से बहुत मुतमिन है और क्राइम का या जराइम का रास्ता रोकने के लिए ऐसे फैसलों का सामने आना खुशाइन है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ
40 बरायल में चीचावती में जहां पर 7 साल अजवेरिया केस के सिलसिले में आज हेयरिंग थी और जिसके लिए कोर्ट में पेशी थी, तो हम वहां पर गए हैं अजवेरिया और उनका वालद और इसके साथ सीटीएस की टीम और इसके अलावा जो है उस बच्ची को लेकर अदालत में पेश हुए हैं। तो इसके बाद हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में। यहां पर इन लोगों को जो मुख्तलिफ तरीकों से केस की पैरवाई से रोकने के लिए हलबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो एक वाकया हुआ यहां पर, इनसे पूछते हैं क्या वाकया था और ये सीटीएस की जानिब से एक चोटी लेकर दी गई है, उसके लिए भी अभी तक सीटीएस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके साथ अगर बात हो तो इस वाकया की कि इनको केस से हटाने के लिए या दबाने के लिए, इसकी पैरवाई से रोकने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल किया जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जुवेद, क्या वाकया हुआ था यहाँ पर जो आप कहते हैं कि आपको मारा है? और इतो जी मैं रेड़ी जोड़ी है, इतो निकल एस बाजार से दात्री रखी, कपड़ा रखिया, बच्चा उ बाया, मैं छोटा जा बच्चा मेरे तो बगैर रह नहीं सकता। मैं इतो ना चला गया, मैं मोड़ परत्या तो मैं दात्री वेखी, दात्री को फिर इंज मुड़ गया तो मैं 400 की दात्री ही मेरा नुकसान हो गया। मैं फिर बोलदा गला गुला कड़ता तो मैं घर आ गया, घरों फिर गया दात्री मैंने मिली रेहड़ी मैं खिलार गया। उत्थे गया उत्थे एक बंदा मेनू मिलया तो उन्हें मेरे हथी पै गया, उन्हें मेनू मारिया, मेरे एक सिर से सूटी मारी, एक मेरे थप्पड़ मारिया, कट झोटा तो रेहड़ी खो के अपने हाथ च लै गया। उस तू बाद मेरा भाई गया घंटे डेढ़ तो बाद रेहड़ी लै आया। अच्छा एक गल दसो कि तुहानू ए मारिया क्यों और तुहाडे नाल ए कादे तो कर रहे ने? ए मारिया भी जिहड़ा केस लड़दे ने घर बह जाना, उस तों हटाउण वास्ते हटाउणा पिछा हो जाना, ना के जान ना तरीकां ते जान ना घर बह जाना, दबाया गया। अच्छा अब हम भाई हैं जवेद के, इनसे बात करते हैं जो उन चौधरियों से या उन लोगों से इसका सामान वापस करके लेके आए हैं। ये बताइएगा जी ये वाकया क्या हुआ है और कैसे आप उनसे वो सामान की वापसी की है आपने? वापसी जी मैं तो गया रेहड़ी लैन, पहले मेरा पुत्र गया, मेरे जाद्या तो उन्हें मुंडा उत्ते बैठा है, उन्हें कहा मैं रेहड़ी देने चलिया बाबे ने, तो मैं क्या तुम ना दो भाई? नहीं नहीं है जी थी है लै जाओ, असं लै के आ गए। बाकी असली जी बावजूद हो ये इन्होंने दबा दबू के तो बहा दीए। किस गल तो तुसी की लगते हो जवेरिया? मैं ताया जी। अच्छा किस गल तो ये सारे काम किया जा रहा जी? साडा जेन काम करता भी इसे गल तो किया भी केस छड़ देन रह जान। क्यों छड़ देन? सुला कर लैन। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆ? ਬਾਈ ਆਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰ ਜਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਵੇਦ ਕੇ ਪਾਸ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਹਾਂ ਜਵੇਦ, ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ,
ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸੀ ਟੀ ਐਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੱਸੂ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ।